नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। ज्योतिष के हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। चाहे आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, तीन मुखी, पाँच मुखी, या आप एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक के बीच में कोई भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत आपको किन किन नियमों का पालन करना है। शास्त्र के हिसाब से, हमारी धार्मिक किताबों के हिसाब से, क्या आप मदिरापान कर सकते हैं, मांस भक्षण कर सकते हैं, आपको अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या परिवर्तन लाने होंगे यदि आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं। साथियों, साथ ही साथ में आज की वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि राशि रत्न पहनने के उपरांत आपको अपने लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में, खान पान में क्या क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। वीडियो के पहले भाग में मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा, वीडियो के दूसरी लास्ट की दो तीन मिनट में आपको राशि रत्नों के बारे में बताऊंगा। रुद्राक्ष सीधा सीधा हमारे धर्म से, विशेष रूप से वैदिक सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ से इनका संबंध है। हमारे धर्मशास्त्रों में, लगभग हमारे सभी धर्मशास्त्रों में रुद्राक्ष का वर्णन पाया जाता है। साथियों, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रु से हुई है, मानी जाती है। रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात एक मुखी, तीन मुखी, पांच मुखी, आप कोई भी रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष के पहनने के पश्चात आपको मांस और मदिरापान का त्याग करना ही होगा, नहीं तो आपको लाभ के बजाय बड़े बड़े नुकसान, स्वास्थ्य में नुकसान और अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। रुद्राक्ष के अंदर दैविक शक्तियों का वास माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्नि का स्वरूप माना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष शिव और शक्ति का प्रतीक होता है। साथियों, रुद्राक्ष यदि आप पहनते हैं, आपको शिव भक्ति अवश्य करनी चाहिए और साथ ही साथ में परिस्त्री, गमन, मदिरापान, मांस भक्षण, इन तीन दुर्गुणों का तो संपूर्ण त्याग आप करेंगे तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं राशि रत्नों की। राशि रत्न दो तरह से काम करते हैं, एक हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से, दूसरा वैज्ञानिक, इसका आधार है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक पीले रंग का पत्थर जिसे पुखराज कहते हैं, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और पीले रंग का कांच या कोई दूसरी चीज यदि आप उंगली में पहनते हैं तो उसका कोई प्रभाव माइनर पॉइंट में भी आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि जो राशि रत्न है, वेरीफाई ऑफ कोरोंडम, नीलम है, पुखराज है, पन्ना है, जो भी रत्न है, वह ग्रहों की किरणों को सोख करके उन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ाते हैं, ग्रहों के खराब प्रभाव को दूर करते हैं। तो साइंटिफिक रीज़न की जहाँ तक बात है, वैज्ञानिक कारण की जहाँ तक बात है, तो पूरी दुनिया भर में लोग राशि रत्न पहनते हैं। दुनिया के प्रत्येक कोने में खान पान अलग अलग है। अब बंगाल में जहाँ पर लोग समुद्र के किनारे रहते हैं,
वहाँ पर मछली चावल ज़्यादातर लोग खाते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ज़्यादातर मांस भक्षण किया जाता है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर मदिरा पान का प्रचलन है। अब US है, कनाडा है, जापान है और बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अधिकतर मात्रा में लोग मदिरा पान करते हैं और उसको सामान्य व नॉर्मल चीज़ है, वहाँ पर वो कोई अलग तरह से उसको नहीं देखते। तो मेरा कहने का मतलब है, राशि रत्न यदि आप पहनते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल का, आपकी जीवन शैली का, आपके खान पान का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रुद्राक्ष के जैसी वस्तु जो सीधी सीधी हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, उसे पहनने के पश्चात आपको जो तीन दुर्गुण मैंने बताए, इनका तत्काल ही परित्याग करना पड़ेगा। राशि रत्न पहनने के बाद, खासकर जो दैविक रत्न हैं, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, चंद्रमा के जो रत्न हैं, इन्हें पहनने के उपरांत, यानी कि मोती, माणिक, मूंगा और पुखराज, इन्हें पहनने के उपरांत आप यदि मदिरा पान आदि ना ही करें ज़्यादा बढ़िया है। नीलम शनि का रत्न है, गोमेद और लहसुन, यानी कि शनि, राहु और केतु के रत्न पहनने के उपरांत आपकी जीवन शैली में यदि हल्का फुल्का कोई अल्कोहल है या जो भी है तो आप उसको जारी रख सकते हैं, क्योंकि तामसिक ग्रह है, इनकी तमोगुणी प्रवृत्ति है। ग्रह की वृत्ति के हिसाब से आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन अगर चाहें तो कर सकते हैं। साथियों, मैं कामना करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे भविष्य में भी ग्रहों से संबंधित, राशि रत्नों से संबंधित कुछ खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।